Good morning, children. Hope you all are okay. Today we will study about the most important part of English grammar, that is noun. Sanya. Noun is a naming word. हम सभी जानते हैं. जिसका भी कुछ नाम हो वो है noun. इसका example हम देते हैं. मेरे हाथ में ये tomato. इसका कुछ नाम है noun. ये lemon. इसका कुछ नाम है ये नाउन है. ये पेन इसका कुछ नाम है नाउन. ये चॉक. इस तरह से ऑब्जेक्ट या वस्तु जिसका कुछ नाम हो वो है नाउन. इसका डेफिनेशन देखते हैं. जैसे हम लोग जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग और फीलिंग भावनाएं. ये डेफिनेशन. अब टाइप्स ऑफ नाउन पांच प्रकार के नाउन है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन को समझते हैं. प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेम ऑफ क्रिएचर प्लेस और थिंग. क्रिएचर मतलब प्राणी. किसी प्राणी का नाम, आपका नाम, मेरा नाम. आपके घर में कोई कुत्ता है उसका नाम रखें टॉमी तो वो भी होगा प्रॉपर नाउन. अगला है प्लेस. किसी राज्य का नाम, देश का नाम, जिला का नाम, प्रखंड का नाम, कोई बड़ा कोई शहर का नाम हो जाएगा प्रॉपर नाउन. दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. जाति यानी किसी जाति का बोध हो. मान लीजिए यहाँ पे आप सभी बैठे हुए हैं. राम, सोनू, संदीप. तीनों में कॉमन क्या है? तीनों बॉय है. एक लड़के लड़के जाति को ये डिनोट कर रहे हैं तो यह कॉमन नाउन है. उसी प्रकार यदि आपके पास मोबाइल है सैमसंग का, इनके पास दूसरे जन के पास है नोकिया का, अगले के पास है ओप्पो का, तो तीनों में कॉमन क्या है? मोबाइल. तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन. अगला है मेटेरियल नाउन. मेटेरियल नाउन में वे वस्तुएं आते हैं जिसे नापी तौली जा सकती है. द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं. इसका एग्जांपल सोना, चांदी, दूध. कलेक्टिव नाउन जिसमें समूह का बोध हो. डेफिनेशन देखते हैं. इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ क्रिएचर और थिंग. क्रिएचर प्राणी, इंसान भी हो सकते हैं, कोई प्राणी भी हो सकते हैं. भेड़ का समूह, मनुष्य का समूह, क्राउड जैसे इस क्लासरूम में आप सभी बैठे हुए हैं, मनुष्य का समूह है. बच्चों का समूह है क्लास. आर्मी सेना के जवान, एक साथ काफी लोग संगठित होकर सेना का गठन करते हैं तो ये आर्मी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. और थिंग्स, थिंग्स में आएगा चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा ले लेते हैं तो यह हो जाएगा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा. अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. ये संज्ञा निराकार है. इनका अस्तित्व कोई अस्तित्व में नहीं है, इसे हम महसूस कर सकते हैं. डेफिनेशन में लिखा हुआ थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट इन मटेरियल ऑब्जेक्ट. इसे हम अपने कल्पनाओं द्वारा अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते. जैसे भावनाएं, भावनाएं इसमें इंक्लूड है. जैसे ऑनेस्टी, लोनलीनेस, हैप्पीनेस, लव, केयर, कंसर्न, ये सारी चीजें